वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो हमारा CISF हेड कॉन्स्टेबल और ट्रेड्समैन के लिए। यहाँ पर हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। पूरे 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और करंट अफेयर। ठीक है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। आपके 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ये 25 नंबर का ही आपका प्रैक्टिस सेट है। तो देखना आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपकी जो है स्टम तैयारी कितनी है, आपका स्कोर कितना है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इन क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? तो देखिएगा यहाँ पर बात कर रहा है द्रव धातु की, तो द्रव धातु जो होती है वो होती है हमारी मरकरी। ठीक है, तो ये धातु है। अगर आपसे पूछे द्रव अधातु, तो द्रव अधातु हमारी कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी ब्रोमीन। ठीक है, द्रव अधातु होती है ब्रोमीन और द्रव धातु होता है मरकरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम किस में नहीं पाए जाते, तो वो विषाणु होता है, विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। राइट, क्वेश्चन नंबर फोर है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 में। ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फाइव है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो वो आंसर आएगा हमारा बिहार। राइट, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेवन है, नंदा देवी स्थित है? तो देखिए नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ही आप लगा लीजिए इसको, क्योंकि वहाँ पर मेन जो है राष्ट्रीय उद्यान ही फेमस है और नंदा देवी वहाँ पर एक मंदिर भी है। तो नंदा देवी जो स्थित है वो है हमारा उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आठ है, भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 356 तो आपको पता है ना, अनुच्छेद 352, 356, 360 आपातकाल से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो नियम क्या है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यदि आपके खिलाफ देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपको भारत की नागरिकता जो है आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक रीज़न इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? ठीक है, IR20 आपके पास एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ये किस फसल की जो है एक किस्म है? तो ये होती है चावल की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, SSC तक के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है वो किस वंश का शासक नहीं है, शासक तो देखिए ये हमारा गलत होगा, किस वंश से था, किस कुल से था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद गोरी जो था वो था संशबनी वंश से। ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय से। 15, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए चौसा की लड़ाई हुई थी, एक हुई थी 1540 में कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, 1540 में हुई थी कन्नौज की लड़ाई। तो देखिए इसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था, बट जो 1540 में लड़ाई हुई थी वो भी इन दोनों के ही बीच हुई थी, उसके अंदर हुमायूं जीत गया था। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे, डिफरेंस ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये पूरे विश्व की बात कर रहा है, तो पूरे विश्व में हृदय का प्रथम स्थापन जो किया गया था वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और भारत में किसके द्वारा किया गया था पहला हृदय प्रत्यारोपण, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और देखिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन है यहाँ पे, इन दोनों जगह आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे। CISF के लिए कम से कम 50 के नियरेस्ट हमने वीडियोस अपलोड की हैं, उनको जाकर देखिएगा। सभी के सभी प्रैक्टिस सेट हैं, उसमें मैथ की वीडियोस भी हैं, उसमें हिंदी की वीडियोस भी हैं, ठीक है। सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो क्लोरो इथिलीन का अगर हम बहुलीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा PVC, ठीक है, PVC। ये आपको पता है, आपके घरों में दीवारों पे लगाई जाती है सजावट के लिए PVC। क्वेश्चन नंबर 18, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा, कपिलधारा जलप्रपात जो है यह है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए, इससे रिलेटेड आपको एक दो फैक्ट और बताता हूँ यहाँ पे मैं, कि आपका छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है जिसका नाम है मैकाल पर्वत, ठीक है, मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ से नर्मदा, ताप्ती और सोन नदियाँ निकलती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोन नदी जो है नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली नदी है, और ये जाके बिहार में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए, ताप्ती जो नदी है, इसके ये जो है सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, जो गुजरात में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और शरावती नदी के ऊपर फैक्ट है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, ये भी शरावती नदी पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19 है, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। निम्न में से कौन सी परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा में संबंधित है? तो देखिए, मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ, कोबरा, तेंदुआ और हाथी, ये चारों ऑप्शन है। और अगर आपको इसका क्वेश्चन का ज़्यादा समय चाहिए जवाब देने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करना। वीडियो ख़त्म होने का तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपका स्कोर कितना है, उस हिसाब से जो अगली क्विज आएगी उसका लेवल उस हिसाब से बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो क्या, लेवल बहुत डिक्रीज है इस क्विज का। तो देखिए, दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह तेंदुओं के लिए मेनली प्रसिद्ध है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये है दाचीग्राम वन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि इसका पहले आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो साबरमती नदी पर स्थित है, इसके साथ साथ अहमदाबाद, ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो गई, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ हम हैदराबाद का पॉइंट भी लेंगे, तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैदराबाद में देखिए एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है चार मीनार, ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया था CISF में, चार मीनार, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, अर्थ ओवर 2020 की थीम निम्न में से क्या थी, ठीक है। अब हमारे जो चार क्वेश्चन है लास्ट के, वो करंट अफेयर के रहेंगे, आपके एग्जाम में चार से पांच ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो देखिए, अर्थ ओवर 2020 की जो थीम थी वो थी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। उम्मीद है आपने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 23 है, निम्नलिखित में से किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजन करने की योजना है? तो इसका जो आयोजन होगा वो होगा आपके जापान में, ठीक है। जुलाई से जो है ये गेम स्टार्ट होने वाली है, अगर सब कुछ ठीक रहा, COVID-19 का असर खत्म हो गया तो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 24 है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है? तो देखिए, राज्यसभा चुनाव होने थे, ठीक है, और ये टाल गए हैं। तो ये राज्यसभा चुनाव जो है वो 26 मार्च को होने थे, इनको जो है डिले कर दिया गया है और आगे इनकी डेट बढ़ा दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला COVID-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐड किया है। CISF हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, SSC तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन इनमें से किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जो भारत का पहला COVID-19 सेंटर जो है वो 7 Hills हॉस्पिटल में खोला गया है। ये भारत का पहला COVID-19 से लड़ने वाला हॉस्पिटल का जो सेंटर है इसमें 100 बेडों की क्षमता है, ठीक है, सिर्फ COVID-19 मरीजों के लिए। और ये है कहाँ पे, तो ये जो है ये मुंबई में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गाइज यही था आज का वीडियो, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।